मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया था और हम लोग पैरामीटर एंड एरिया, तो उसमें हम लोगों ने पैरामीटर को लिया है और उन्हीं चैप्टर्स के हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने उनके फॉर्मूला एंड उनके जो प्रीवियस कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास से हम लोग फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग प्रेजेंट होइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 हम लोग कर रहे हैं और उसमें थर्ड तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन में फोर्थ देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर equal to this equal to 88 feet. What is the length of what is the length of the side of the square? What is the length of the side of square? Okay, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कुछ टाइम मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 88 फीट, यानी कि ये स्क्वायर है, सपोज करिए आप लोग ये स्क्वायर है, जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर्स के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 88 फीट। पैरामीटर करने का क्या मतलब, इनका जो सम ऑफ लेंथ है, जो लेंथ बाउंड्री ऐसी की बात हम लोग कर रहे हैं, और पैरामीटर का तो सभी साइड्स इक्वल होता है, तो अगर हम टोटल साइड्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 साइड्स इसमें होते हैं। तो या तो हम सभी साइड्स को ऐड कर लें, क्योंकि पैरामीटर 88 फीट दिया हो तो आपको साइड फाइंड करना है, तो 4 साइड्स हैं, तो आप लोग देखिए क्या होता है। पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर प्लस टू में 88 फीट, ओके। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × में साइड, ओके, इक्वल्स टू में पैरामीटर, तो 4 × साइड इक्वल्स टू में क्या 88 फीट जो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम साइड फाइंड करें, ठीक है, तो ये चीज़ें जो मल्टीप्लाई में होती हैं वो इक्वल टू के उधर जब जाती हैं तो उनका सिंबल चेंज हो जाता है। अगर माइनस रहेगा इक्वल टू के इधर, अगर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ अगर माइनस होगा तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस होगा, जो साइन होता है उनका कन्वर्जन हो जाता है, और अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड, तो साइड इक्वल टू क्या होगा 88 फीट बाई 4, 4 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 22, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 22 फीट का सिर्फ एफ लिख देता हूँ, ओके, ये 22 फीट का, ये 22 फीट का और ये 22 फीट, तो इस तरह से हम लोग पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं साइड को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। की तरफ बढ़ते हैं, वॉट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ओके, तो वॉट इज द लेंथ ऑफ, what is the length of the third side? Third side of a triangle, of a triangle, if one side measures, if one side measures 10 cm, the second measures
second measures 15 centimeter and the perimeter is 45 and the perimeter is 45 cm. काफी आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे पहले सॉल्व करके देखिए फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है? आप लोग कुछ टाइम देते हैं. ओके, तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल? यानी कोई भी ट्रायंगल है, सपोज करिए ये ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल एबीसी में, इसका नेमिंग कर देते हैं एबीसी. वन साइड मेजर 10 सेंटीमीटर, सेकंड मेजर 50. सपोज दैट इसको मान लीजिए ये 50, ये वाला 10 सेंटीमीटर, और जो उसका टोटल आपको ये साइड फाइंड करना है. तो ठीक है, तो आपको ये वाला साइड फाइंड करना है. सपोज इसका जो पैरीमीटर है 45, तो पैरीमीटर अगर अगर पैरीमीटर की बात करें, ठीक है, अगर हम साइड की बात करते हैं तो गिवन में क्या है, जो ए बी है वो आपको फाइंड करना है, ए सी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर है, और आपके पास पैरीमीटर भी गिवन है अपना 45 से. देख लेते हैं कितना गिवन है, पैरीमीटर इज 45 सेंटीमीटर. तो आप लोगों को थर्ड साइड फाइंड करना है. तो आप लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जो उसके लेंथ हैं उनको हम सम करते हैं, वही उसका पैरीमीटर होता है. ओके, तो यहाँ पर हमको दो साइड का मेज़र दिया हुआ है और पैरीमीटर है, तो टोटल पैरीमीटर में से अगर हम उन दोनों साइड के सम को माइनस कर दें तो हम लोग को थर्ड साइड मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम और टोटल पैरीमीटर हम लोग को दिया हुआ है. यानी कि यहाँ से जो अगर हम लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है हम लोगों के पास, तो ये गिवन है. तो जो 45 सेंटीमीटर जो आया होगा वो तो तीनों साइड का जो सम है वो आया होगा. फिर से समझिए, ये ट्रायंगल में थ्री साइड्स हैं, उनका सम इसका पैरीमीटर कहलाता है, तो इन तीनों को जोड़ के 45 आया होगा. तो अगर ये 10 और 15 है तो ये कितना, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स के दोनों जो साइड्स हैं उनका सम उसके पैरीमीटर से माइनस करेंगे. तो ए बी प्लस टू हो जाएगा आपका, पैरीमीटर, ठीक है, माइनस में सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है. तो पैरीमीटर हो गया फाइनली 45 सेंटीमीटर, माइनस हो गया आपका 10 प्लस 15 सेंटीमीटर. तो अगर आप 45 सेंटीमीटर से माइनस करेंगे 25 सेंटीमीटर, तो आपका फाइनली 20 सेंटीमीटर ये वाला साइड आपका, ओके, ये साइड हमें फाइनल. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा.
आप लोग इसे अच्छे से देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई नीड टू बाई इनफ फेंसिंग टू गो ऑल अराउंड माई रेक्टेंगुलर गार्डन। Meter long I meant to wide how many meters of fencing how many meters of fencing will I need? Will I need? ये आपके सामने क्वेश्चन है। थोड़ा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसको करने की कोशिश करें।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है से समझते हैं पहले। आई नीड टू बाई इनफ फेंसिंग टू गो ऑल अराउंड माई रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ABCD। उसमें क्या करना है, आई नीड टू बाई इनफ फेंसिंग, उसको फेंस करना है, यानी कि उसको सजाना है, फेंस करना है, साइड से घेरा डालना, फेंस ये हम लोग उसको ऐसे फेंसिंग करना है। ओके, तो उसको फेंसिंग करने के लिए चाहिए क्या, वायर वगैरह चाहे कुछ भी चाहिए। द गार्डन इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड, 20 मीटर एंड 5 मीटर लेंथ एंड दिया हुआ है। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंसिंग विल आई नीड, तो ये पूछा जा रहा है कि आपको कितना फेंसिंग चाहिए होगा टोटल। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसमें चारों तरफ से फेंस करना है। चारों तरफ से फेंस करने का मतलब क्या, उसके पैरीमीटर को फेंस करना है, यानी कि उसके लेंथ जो होंगे उन सभी को, क्योंकि जब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं तो एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लेंथ बाउंड्री है जब इनकी सम की हम बात कर रहे होते हैं तो पैरीमीटर की बात करते हैं। तो इसका ये बोल रहा है कितना फेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, सो लेंथ ऑफ द गार्डन फर्स्ट में 20 मीटर, एंड हम बात करें ब्रेथ की, ब्रेथ ऑफ द गार्डन तो वो है 5 मीटर। सो अगर हम क्या निकालना है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंसिंग, यानी कि हम किसकी बात कर रहे होते हैं, पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा, 2 × L + B, लेंथ कितना है 20 + 5 मीटर। फाइनली जब हम उसको करेंगे तो आ जाएगा 2 × 25 मीटर, तो ये हो जाएगा 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर हमको फेंसिंग चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आई नीड टू बाई इनफ फेंसिंग, फेंसिंग चाहिए उनको इस गार्डन को फेंस करने के लिए, और लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, आप लोग इसे नोट कर लें, कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हैं, आप लोग अच्छे से देख लें इसे। आप लोग एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करें, जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं और उनको अच्छे से करें। अगर उसमें आप लोग किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसे कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।